हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि किस तरह से हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। समेशन आप पहले ही देख चुके हैं, पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके हम सी लैंग्वेज में कैसे सम करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं दो नंबर्स को। आइए अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो चलते हैं, कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले फाइल पे जाएंगे और न्यू फाइल चूज कर लेंगे। न्यू फाइल चूज करने के बाद यहाँ पे हेडर फाइल में लिख लेता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। फिर यहाँ पे int टाइप का हम int मेन फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। और int मेन फंक्शन बनाने के बाद int टाइप का डेटा टाइप ले लेंगे और यहाँ पर तीन वेरिएबल a, b, c ले लिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हमें पॉइंटर वेरिएबल्स का कराना है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल भी लेना होगा। तो मैं इसी तरह से पॉइंटर p1 कॉमा पॉइंटर p2, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर हमें एड्रेस होल्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं p1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, टर्मिनेट किया। p2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ b, ठीक है। तो ये दोनों हमने एड्रेस होल्ड करवा दिया यहां पे। और अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, ठीक है, एंटर टू नंबर्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो यहां दो नंबर्स एंटर करेगा यूजर। यहां पर एक बार स्कैनफ लगाएंगे, चूंकि हम यूजर से एंटर करवाना चाहते हैं तो स्कैनफ लगाना कंपलसरी। तो यहां परसेंट डी दो बार दो वैल्यूज हम एंटर करेंगे, तो दो परसेंट डी लगाया मैंने इस वजह से। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर P1 और P2 सिर्फ देना है, क्योंकि यहां पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एड्रेस ऑफ A की जगह हम P1 लिखेंगे और एड्रेस ऑफ B की जगह हम P2 लिखेंगे। तो यहां P1 कॉमा P2 हम लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा इससे, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां सी इज इक्वल टू, ठीक है, अब पॉइंटर का हमें करवाना है। तो हम यहां क्या करेंगे, पॉइंटर p1 इनटू पॉइंटर p2, ठीक है, टर्मिनेट करेंगे। और टर्मिनेट करने के बाद यहां पर देंगे प्रिंट एफ, चूंकि हमें अब प्रिंट क्या करवाना है वो चीज यहां पर आएगी, मल्टीप्लीकेशन इज परसेंट डी कर दिया हमने कॉमा, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा सी, सी में जाके वैल्यू स्टोर होगी तो यहां सी आ जाएगा। और अब यहां पे कर देंगे रिटर्न जीरो और अब इसको करेंगे यहां से सेव। डॉट सी, ठीक है, ये नाम दे दिया हमने, डॉट सी लगाना जरूरी। कंपाइल करवाते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवा लेते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर टू नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ 6 लिखा हमने और 7 लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 मल्टीप्लाई होके आ रहा है कि 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन जो है 42 है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, यहाँ पे इसके बाद लाइन चेंज कर देते हैं हम \n लगा करके, ठीक है। और यहां से इसको सेव करते हैं, अब दोबारा से इसको करवाते हैं कंपाइल। कंपाइल हो गया, रन करवाते हैं। अब यहां पे हमें क्या करना है, देखिए ये कर्सर जो है न्यू लाइन पे आ रहा है, 8 और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है हमने, तो 8 9 या 72। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके हम कैसे मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं। ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।